नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। इस वक्त मैं महम में हूँ और महम में भी पहली बार इस तरीके का इंटरव्यू आप पहले नहीं देखा होगा कि बड़े दांगी साहब और बलराम भाई हमारे साथ हैं। इकट्ठे कभी इंटरव्यू नहीं दिया, हमारी रिक्वेस्ट इन्होंने मानी। तो मैं दांगी साहब से शुरुआत में करूँगा कि आज जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया, कार्यक्रम छोटा था, देखने को नाम से देखे छोटा सा कार्यक्रम होगा लेकिन भीड़ काफ़ी थी। देखो, ये तो लोगों का प्यार है और परेशानी है, दोनों बातें हैं। परेशानी तो ये है कि आज की जो सरकार है उससे सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, और प्यार ये है कि हमने काम किया अपने हलके के अंदर, जिसकी वजह से आज लोग याद करके एक बार फिर से जो होना बढ़िया ढंग से सारे जुड़ करके साथ चलना चाहते हैं। इसी की वजह से आज एक छोटा सा प्रोग्राम दफ्तर की ओपनिंग का किया था, लेकिन हजारों हजार लोग, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान, यहाँ जगह ही नहीं मिली कहीं भी बैठने के लिए। ये लोगों के प्रति प्यार की बात है। आप एक जगह विजुअल आए कि भावुक हो गए, एक बार तो आंसू निकलाए आपके। भावुक होना, लोगों की हाजिरी ने मेरे को भावुक कर दिया कि हमारा जीवन ऐसा है जिसमें हमेशा लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान करके साथ दिया है, और उन्हीं बातों को याद करके, उन्हीं बातों को आज लेकर के लोगों का जो हुजूम आया है वो वास्तव में एक पुरानी याद को, बात को याद दिलाता है, जिसकी वजह से स्वाभाविक बात है थोड़ी बहुत अपनेपन में होती है। एक दूसरी खास बात आज के कार्यक्रम की ये रही, दांगी साहब आपने अपनी जिम्मेवारी बलराम भाई को दे दी। समय की बात सारी सही होती है, समय अगर चूक जाता है तो फिर मामला खराब होता है। आज समय है और उस समय के अनुसार मैं समझता हूँ कि मेरा बेटा हर तरह से इस मामले में सक्षम है, मैं कहूँगा सक्षम है, और आज से नहीं 20-22 साल से मेरा काम मेरे बेटे ने संभाल रखा है, हर तरह से बढ़िया ऑर्गेनाइजर है, लोगों में रहता है, काम करता है ईमानदारी से, सारे लोगों की भावना अनुसार मिलजुल करके चलता है। आज वक्त है, उस वक्त के अनुसार मेरी उम्र भी 73-74 साल होगी, और आज जो सही बात है, सही फैसला लेने की जरूरत है, आज हमने ये फैसला लिया है। और राजनीति में ये एक किस्म से एक एग्जाम्पल पेश है। हाँ, रिटायरमेंट जाते नहीं 90-90 साल के लोग राजनीति करने लग रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर सही जगह पर सही बात और सही बात बच्चा हो तो उसको अपनी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, ताकि और मजबूती के साथ लोगों की सेवा हो। जिम्मेदारी आपको मिल गई है बलराम जी, और अब किस तरीके से आप चुनौती देखते हैं, क्योंकि चुनाव का बहुत कम वक्त बचा है, लगभग एक साल के बीच में दोनों ही चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा का भी विधानसभा का भी। भाई, पहले तो मैं भाई साहब आपके दर्शकों को, आपके चैनल को, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको हाथ जोड़ कर राम राम करता हूँ। और जिस हिसाब से आज फादर साहब ने और पूरे हलके ने इकट्ठे होकर, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, जो ये इकट्ठे होकर एक किस्म की हजारों 8-10 हज़ार आदमियों की हाजिरी में जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूँ कि इस जिम्मेवारी को उठाने का मेरे को वो दे, साहस दे, हिम्मत दे, और इसी प्रकार फिर आने वाले टाइम में जिस हिसाब से फादर साहब ने सारे लोगों के काम किए हैं, रोजगार के हैं और दूसरे सुख दुख के हैं, जैसे भी हैं, उनको जिस हिसाब से इन्होंने निभाया, मैं यही कोशिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से मैं कोशिश कर सकूँ। चुनौतियाँ क्या देख रहे हैं हल्के में, किस तरीके की आप? चुनौतियाँ भाई साहब आज हर एक जगह चुनौती कामों की है। काम कितने, अब पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार है, आप खुद ये देख लो क्या क्या हुआ, किसका कुछ ही, किसी का भी कुछ नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि नौकरी के ऊपर कोई आदमी बात ही नहीं करता। आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी अब इतनी अंदर तक जड़े अपनी जा चुकी है बेरोजगारी की। भगवान ऐसा करे एक बढ़िया टाइम आए, 10-12 साल, 15 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, और फिर 10-12-15 साल लगातार जब ये काम करेंगे उसके बाद कहीं जाके थोड़ा बहुत ये काम हल्का होगा। ये सबसे बड़ी ये चुनौती है रोजगार देने की आज के दिन। जो आपके विरोधी हैं, आपके बारे में आपको भी पता होगा कि किस तरीके की बात करते हैं। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, विरोधी अगर माला घालेगा तो विरोधी थोड़ी ना हुआ। विरोधी तो अपनी कुछ भी कहें, विरोधियों का काम है कहना,
हमारा काम है अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर, नौजवान साथियों के साथ मिलकर चलना। और विरोधी कुछ भी कही जाए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हल्के के, मैं हल्के के, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, उनको पता है कि उनका बेटा उनका भाई कैसा है। तो आपसे सवाल है कि एक बड़ा मन से भी दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा, आपने भी गिनवाए काम, और ख़ास तौर पर जो मुद्दा था महम हासी रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन का, तो उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। आपके विरोधी भी कहते हैं वो हमने करवा दिया, आप कह रहे हो, तो थोड़ा सा क्लियर कर दें आप। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब भी अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर हो भी नहीं सकता। ये जब MP साहब ने पॉइंट वाइज डेट वाइज सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, उसके बाद भी कोई शंका रह जाती है क्या क्लियर होगा इससे ज़्यादा। क्लियर है दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय मैं भी ले सकता हूँ श्रेय इस बात का, क्योंकि मैं साथ में MLA भी था। सारी बात हमने उनसे रेलवे लाइन मंजूर करवाने के लिए बार बार कहा है, और उनने मेहनत करके लगन से अपने रसूख से ऊपर जा करके इस रेलवे लाइन को मंजूर करवाया, और उसी की बदौलत आज ये जो ना सारी तैयारी बनने लग रही है। तो जो विरोधी हैं वो इसका मतलब गलत प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का। मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? ये सारी चीज़ें डेट वाइज सारा सब कुछ आपके सामने दिखाया है और दिया है, उसके बाद क्या रह जाता है? कुछ काम खा की बकवास है। अब दांगी साहब की क्या भूमिका रहने वाली है? दांगी साहब की भूमिका जो थी वही है, जो थी वही है, लोगों की सेवा करना, लोगों से मिलजुल करके चलना, उनके दुख सुख में शामिल होकर के रहना, और उनकी भावना अनुसार आगे बढ़ना, और बलराम के ऊपर अपना हाथ रख करके उनके सच्चे मन से सेवा करवाना। ऑब्जर्वर की भी रहेगी भाई के ऊपर? ऑब्जर्वर तो मैं हूँ, ऑलराउंड ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ यानी ऑब्जर्वर तो मैं कई जगह पर हूँ। थोड़ी सी फिर और भूमिका, और डिस्ट्रिक्ट जींद का भी ऑब्जर्वर हूँ, रोहतक का भी हाथ जोड़ों का ऑब्जर्वर हूँ, अब एक और 11 आदमी कमेटी बनी उसमें भी मेरा नाम है, उसमें भी मैं हूँ। सवाल तो ऑब्जर्वर तो देखो मैं कह सकता हूँ कि बलराम आज पूर्ण रूप से सक्षम है, और फिर भी कहीं छोटी मोटी कहीं कमी शमी दिखेगी तो मेरा बेटा है, मैं इसको डांट भी सकता हूँ, धमका भी सकता हूँ, कोई ऐसी वैसी बात हो तो कह करके उस बात को ठीक भी करवा सकता हूँ। ये मैं ये कह सकता हूँ कि इस हल्के के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, बलराम जैसा नौजवान उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए मिल रहा है, जो एक चरित्रवान बच्चा है, मेरा बेटा है, मैं कह सकता हूँ हर तरह से जो है किसी तरह की आज कमी बेशी नहीं है, जो कि एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए वो सारी फुलफिल करता है, और मैं आशा रखता हूँ कि कभी भी कोई कमी किसी प्रकार की ऐसी नहीं करेगा जिसमें कोई उलाना किसी प्रकार का लोगों का आए। आता तो लठ मेरा कड़ी इसकी। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, इन इनकी नहीं, पूरे हल्के की, पूरे हल्के के मेरे बुजुर्ग हैं, पिता समान बुजुर्ग हैं बिल्कुल। देखो भाई साहब, मैं पिछले 23-24 साल से लगातार रेगुलर इसमें एक्टिव हूँ। 2000 में BA करके आया था मैं चंडीगढ़ DAV कॉलेज से, उसके बाद रेगुलर जो भी पार्टी की जिम्मेवारियाँ ऊपर से हाई कमान से जो भी मिली, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो भी सौंपी या फादर साहब ने जो भी सौंपी, उसको बखूबी तरीके से मैंने, जब भी कोई अपनी मीटिंग वगैरह हुई या आपने आज भी देखा होगा, जितने भी मेरी काकी ताई माताएँ जितनी भी आई, मेरे बुजुर्ग आए, नौजवान साथी आए, उनको सबको मैंने रिसीव किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। ऐसे ही रेगुलर पिछले 23 साल से हर एक पूरे हल्के में पूरे गांव में अपने जा के दुख सुख में साझी हुए हैं। कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे फ़ोन खुला रहे, और रहता भी है, किसी भाई को किसी भी टाइम इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है तो एकदम भाई के साथ खड़े होने की वो रखते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भूमिका चेंज होगी ना आज से, फिर थोड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि एक कार्यक्रम हुआ, सारी चीज़ें आपको सौंप दी एक किस्म से सियासी तौर पे। नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई मैं ज़्यादा वो मैं फ़र्क नहीं मानता। अब भी ये थे जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी जाती थी, अब भी वही थी, किसी प्रकार की कोई बात आती कि बलराम ये काम, अब भी काम करवाता था मैं खूब, बाबू जी को बोल के, MP साहब को बोल के, सारे हल्के के लोगों के काम भी करवाए हैं, और कोई सामूहिक काम है, अनेकों प्रकार के नदी में पानी वाली बात होगी, मोरी की होगी, और दूसरे मतलब जो भी सोशल काम अपने सामाजिक काम है बिल्कुल, वो हमने मैंने करवा के दिए हैं पूरे हल्के में, ये बात है।
तो फिर कुछ गड़बड़ी हुई तो बाबू जी और कोई बात मैं हूँ ना नहीं होगी नहीं। देखो होगी नहीं। इस हल्के के मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने जिस प्रकार से हमारे परिवार का साथ दिया है, एक एक दुनिया में एक मिसाल है। अगर ये लोग, ये बुजुर्गों का हाथ हमारे ऊपर नहीं होता तो भाई साहब हम आज के दिन यहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, कुछ भी नहीं मिलना था, ऐसा काम था। और फिर हमारा कर्तव्य और नैतिक धर्म भी बनता है कि जिस हिसाब से कई बारी कई बुजुर्ग गुस्सा भी हो जाते हैं, नौजवान साथी भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनका हक है हमारे ऊपर और हक के उनके वो अपने हक से ही बोलते हैं और उनका हक है, तो हम भी ये बात मानते भाई इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से वो दिया है तो हम किसी प्रकार की दूसरी बात नहीं आएगी। घर से बाहर निकलता हूँ तब ये दिमाग में ये बात सोच समझ के चलता हूँ कि मेरे किसी परिवार के, भाईचारा के कोई किसी भी सदस्य को, तो हल्के का पूरा हल्का ही अपना परिवार है, किसी भी हल्के के मेरे बुजुर्ग को, नौजवान साथी को अगर बलराम की वजह से कहीं नीचा देखना पड़ गया तो मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। यार हमेशा दिमाग में घर से बाहर निकलता हूँ तो ये बात लेके निकलता हूँ। फिर बड़े दंगी साहब तो हैं जैसे बताई दिया है ही, हम ये हमारे आदर्श हैं। इनके वही बात है, कुछ भी हो है, पिताजी हैं बिल्कुल नहीं होता है, तो इस हल्के में मेरे जैसे बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने इनसे सीखा है कि किस हिसाब से हमने अपने भाइयों के साथ बात करनी है, किस हिसाब से हमने अपने लोगों के बीच में रह के उनके दुख सुख में काम आना है, हमने सीखा है, आदर्श है हमारे। आज के जो था कार्यक्रम उसमें क्या लगा कि क्या मैसेज गया हल्के में और किस तरीके से कामयाब रही आपका? देखो जो उम्मीद थी ये एक सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिकली मैसेज था, सारा को टेलीफोन जो मेरे फ़ोन में नंबर है मैंने उनको मैसेज करवाया, व्हाट्सएप मैसेज करवाया, उसी हिसाब से आप ये देखो अगर पर्सनली फ़ोन होते या पर्सनली जा के गांव में नोंदे दे के आते तो आप ये देखो कितना, आज ही आप खुद ही देख रहे होगे कम से कम, और तो थोड़े ज़्यादा है लेकिन मैं कम से कम ये मानता हूँ कि 10,000 आदमी मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, उन्होंने आके आशीर्वाद दिया है और समर्थन दिया है। क्या तस्वीर देखते हो 24 की? 24 की तस्वीर बिल्कुल भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में जो काम हुए हैं उस हिसाब से कोशिश ये करेंगे उनका सवाया करके दें। हमारी एक नौजवानों की ये कोशिश रहेगी कि कोई भी बात है उसमें सवाया करके दें उनसे। धन्यवाद आपका दोनों का। आनंद सिंह दांगी जी हैं, उन्होंने जिम्मेवारी पूरी तरह से आज दे दी है और हल्के में अलग तरीके के समीकरण बनेंगे और यूथ आइकन हैं और इस हल्के से, और कोशिश करेंगे कि इनका जिस तरीके से दावा है कि 2024 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा चुनाव जितवा कर और विधानसभा को यहाँ पर कांग्रेस की झोली में डालने का ये काम करेंगे। धन्यवाद।